तो देखिए गाइस, कुछ इस तरीके का बनेगा आपका। उसके बाद इसे एक कंटेनर में रख के आराम से 6 से 7 महीने आप इसे यूज़ करिए। आप देख सकते हो कितना शाइनी लग रहा है, कितना ज़्यादा शाइनी लग रहा है। तो इसे अच्छे से इसमें स्टोर करके आप रख सकते हो और यूज़। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ारा और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा DIY हाइलाइटर। और यहाँ पे मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब आएगी क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड और उसे इग्नोर करिए। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जो ग्लो दिख रहा है आप लोग को, वो मेरे इस हाइलाइटर, मतलब ये जो मैंने DIY हाइलाइटर बनाया है। बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं हाई रेंज के प्रोडक्ट, तो आप अगर ये यूज़ करते हो, ये बनाते हो, तो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं ना, वो फेल हो सकते हैं इसके आगे। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है मेरा फेस और ये बहुत ही इजीली बन भी गया। और आप इसे स्टोर कर सकते हो 6 से 7 महीने आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो मेरा ये हाइलाइटर वाला ग्लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोग के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलोवेरा को ग्राइंड कर लिया था, तो इस तरीके से मिला मुझे एलोवेरा को जब ग्राइंड किया तो एक लिक्विड फॉर्म पे बन गया। गाइस, यहाँ पे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको इग्नोर करिए आवाज़ को। देन यहाँ पे आप लीजिए स्ट्रीट, मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रीट वेयर का शिमर पाउडर। आप मार्केट में कोई भी शिमर पाउडर ले सकते हो, 100 या 50 का भी आता है तो वो ले सकते हो। बस हल्की शाइन होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई ब्रांड। मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था इसलिए मैंने यही यूज़ किया। आप कोई भी शिमर पाउडर ले सकते हो। और इस तरीके से देखिए कैसे चमक रहा है, हल्की शाइन है ये, तो ये जाएगा इसमें। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी आपके पास हाइलाइटर हो टूटा फूटा, मेरे पास तो टूटा फूटा सा ही है। अगर नहीं है तो स्विस ब्यूटी का ले लो यार, 50-60 रुपीज़ का मिलेगा ये। तो अगर आपके पास वाइट कलर का है तो ज़्यादा बेटर होगा लिक्विड हाइलाइटर बनाने के लिए। और तो ये तीन चीज़ चाहिए होती है। तो फिर लेते हैं यहाँ पे एक बाउल। सबसे पहले आप कुछ छोटा सा ले सकते हैं, मैंने यहाँ बड़ा ले लिया। और उसमें डालेंगे ये लूज़ पाउडर, आधा डालेंगे, बहुत मतलब कि ये नहीं कि पूरा डाल ही दे इसमें, ऐसा नहीं। बस मैं जितनी क्वांटिटी दिखा रही हूँ उतनी आप डालिए इसमें। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही डालूँ क्योंकि मेरे पास गोल्डन है तो गोल्डन मुझे ब्लैक कर देगा। अगर आपके पास वाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, वाइट अगर होगा तो। इस तरीके से मैं इसमें गोल्डन वाला हाइलाइटर डाल दूँगी, पाउडर हाइलाइटर। और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट आप थोड़ा कम ही लीजिएगा। उसके बाद इसमें 1 से 2 स्पून लेंगे एलोवेरा और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स इस तरीके से। खूब अच्छे से इसको करना है मिक्स 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 मिक्स। सी गाइस कि इसे इतना मैंने इसे ऐसे गोल गोल घुमाया कि इस टाइप का बनना चाहिए, जिस टाइप का मैं दिखा रही हूँ। और सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है तो उसे इग्नोर करिएगा, आई एम सो सॉरी। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म पे होना चाहिए, बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा है। और अब मैंने इसे एक कंटेनर में रख लिया। आप इसे एज अ एल्यूमिनेटिंग भी लगा सकते हो, हाइलाइटर भी लगा सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है यार। अब मैं आपको एज अ एल्यूमिनेटिंग लगा के दिखाती हूँ, जब बेस के अंदर लगाया जाता है तो कैसे ये ग्लो करेगा। आप जब इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। मेरा यहाँ हल्का फेस डल इसलिए होगा क्योंकि मैंने इसमें गोल्डन थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दी थी। अगर आपके पास सिल्वर है तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि सिल्वर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्लो देगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन आ गया फेस पे। जब इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएगा तो अलग ही लुक लगेगा। मैं यहाँ पे आपको चीक बोन पे लगा के दिखा रही हूँ।
और आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से हाईलाइट कर रहा है ये मेरी चीक बोन को। तो आपको जितना लगे कि इतना लगा रहा मुझे सही है तो आप उतना लगाइए। मैं यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि ये घर का बनाया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो मेरा जितना दिल चाहेगा मैं उतना लगाऊंगी। मैं अभी इसको पूरे हैंड में भी लगाऊंगी चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आ रहा है गाइस। तो कैसे लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई कि नहीं हुई। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर आप हो न्यू तो प्लीज़ इसे भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग से मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।